हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.4 यहाँ पे करेंगे। इसमें आपका बहुत इजी कंसेप्ट है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि आपने 9th क्लास में भी ये पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्योंकि वहाँ पे आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताया होगा, लेकिन यहाँ पे आपको विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको ये बताना है कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर? अब जैसे हमने यहाँ पे कोई भी रेशनल नंबर है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म किस फॉर्म में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो आपका को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? को प्राइम। और को प्राइम आप जानते हैं जिसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1। तो को प्राइम की फॉर्म में होना चाहिए। अगर को प्राइम की फॉर्म में नहीं है तो क्या है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो पहले उसको कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट करने के बाद को प्राइम की फॉर्म मिलने के बाद फिर क्या है कि हम डिनोमिनेटर, उस डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे। इफ डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म मिलते हैं, यानी कि 2 और 5 की फॉर्म में अगर हमें क्या मिलते हैं, ये इसके फैक्टर मिलते हैं डिनोमिनेटर के, तो हम कह सकते हैं वो हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इफ 2 की पावर n, 5 की पावर m, या 2 और 5 के अतिरिक्त और भी कोई हमारा फैक्टर बनता है उसके साथ, जैसे 2, 5, 7 या 2, 3 या 5, 3, तो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा। क्लियर? अब यहाँ पे हम देखते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं सवालों को करने से पहले कि वी नो दैट ए रेशनल नंबर हूज डिनोमिनेटर whose denominator can be represented as 2 की पावर n 5 की पावर m, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड अदरवाइज नॉन अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंसेस। क्लियर? कह रहा है कि वी नो दैट एक रेशनल नंबर हूज डिनोमिनेटर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 की पावर n 5 की पावर n वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा एंड इट हैज या अदरवाइज क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस की फॉर्म होगा, ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट है 13y 31 2 5। क्लियर? अब क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है और ये क्या है को प्राइम की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका डिनोमिनेटर लेंगे और डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे। डिनोमिनेटर क्या है 3125। क्लियर?
तो यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा, फाइव से, क्लियर, फाइव सिक्स जा थर्टीन, फाइव टू जा फाइव, फाइव जा फिर फाइव से फाइव वन, फाइव टू फाइव फाइव, फिर फाइव से फाइव टू, फिर फाइव से, ये आपका फैक्टर हो गया फाइव से, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे थर्टीन अपॉन फाइव की पावर कितना हो गई, फाइव। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस थर्टीन अपॉन 3125, तो इसके डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर के फैक्टर है फाइव की पावर एन की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में है, फाइव की पावर एन की फॉर्म में है, अर्थात क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग, क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, क्लियर, यहाँ पे आपका क्लियर हो जाता है, क्योंकि इसके आपका डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या है, केवल फाइव है, फाइव की पावर एन की फॉर्म में है, तो आपका क्या है, टर्मिनेटिंग। यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट ले रहा हूं मैं, 17/8, तो क्लियर है, 17/8, तो 17 आपका 17 ही रहेगा, इसके 8 के आप करेंगे डिनोमिनेटर के फैक्टर, तो 2 2 2, क्लियर, तो क्या हो गया, 2 2 2, अर्थात 17/8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब देखिए यहाँ पे आपका 2 की, इसके जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर केवल किसकी फॉर्म में है, उसके फैक्टर, उसके फैक्टर केवल 2 की पावर n की फॉर्म में है, तो ये भी आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, क्लियर, ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया। अब नेक्स्ट आपका सवाल ले रहे हैं 64/455, थर्ड पार्ट है। अब क्या है, 455 के मैं यहाँ फैक्टर कर रहा हूँ, तो किससे जाएगा, फाइव से, फाइव नाइन जा 45, वन, फिर सेवन से 13, फिर 13 से वन, क्लियर, फाइव से करेंगे तो फाइव नाइन जा 45, फाइव नाइन जा 45, क्लियर हो गया, फाइव का वन फाइव, तो फाइव का अब सेवन से करेंगे तो 13 और 13 का वन, तो क्या हो जाएगा इसके डिनोमिनेटर, ए हो गया आपका 64/5, 7 और आपका 13, तो क्या है ये, 2 की पावर n, 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है, 5 की फॉर्म में है, बट क्या है, 7 और 13 भी इसके अलावा आ रहा है, जब 5 के अलावा या 2 के अलावा या 2 और 5 के अतिरिक्त तो भी कोई आता है, तो हम क्या कहते हैं कि वो है नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्लियर, समझ में आ गए। इस प्रकार से आपको यहाँ पे सवाल करने हैं, बहुत ही इजी आपका वो है कि आपका डिनोमिनेटर लेंगे, उस डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे, उस डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या है, 2 की 5 की या 2 और 5 दोनों का, या 2 की पावर n, 5 की पावर n की फॉर्म में अगर उसके फैक्टर होते हैं तो हमारा टर्मिनेटिंग होता है, और 2, 5 के अतिरिक्त अगर उसके फैक्टर कोई भी अलग होते हैं 2, 5 के अलावा, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है हमारा, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब यहाँ पे हमारा क्या है, जो टर्मिनेटिंग वाले हमारा यहाँ पे सवाल था पहला, उनको हमें डेसिमल की फॉर्म में लिखना है, जैसे हमारा 13/3125 है, इसको क्या है कि अगर हम टर्मिनेटिंग वाले टर्म्स उठाएंगे और टर्मिनेटिंग जो हमारा था उसको यहाँ पे हमें इस प्रकार से लिखे, 13/ क्या था, 5 की पावर 5, क्लियर, अभी क्या है, तो अब इसको हम, या जो आपने 9th में पढ़ा है, जैसे 13/31/2125 या 3125 से इसमें डिवाइड करें, तो वो आपका मेथड यहाँ पे गलत, इस प्रकार से नहीं करना है,
आपको बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे करना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो आपके टर्मिनेटिंग वाले टर्म्स थे उनको हमने यहाँ पे लिखा, उनको ही हम डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे, क्या हो जाएगा 13/5 आपका है, तो क्या करें कि जितना आपका 5/5 है उतना ही हम 2/5 करेंगे और उसका क्या करें मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा करने के लिए ऊपर भी और नीचे भी, क्लियर। तो क्या हो गया 13 × 2/5 क्या हो गया 32/2 × 5 क्या हो गई 5, तो क्या हो गया मल्टीप्लाई करो 13 का 32 का, 13 2 जा इतना 26 416 और यहाँ 2/5 यानी 10/5 416/10/5 लिखेंगे, हाँ जी क्लियर। अब क्या हो जाएगा, अब बहुत ही इसी तरीके से हम कर सकते हैं कि भाई कितनी डिजिट है जीरो, कितना है 1 2 3 4 5 हमारे यहाँ पे कितने 3, तो क्या हो जाएगा 0.00146। इस प्रकार से बहुत इजी वे में आपको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है, क्लियर। अब जैसे आपका सेकंड वाला पार्ट है 17/8 क्या है टर्मिनेटिंग था, तो 17/8 2/3 क्या हो गई 3, तो क्या करें यहाँ पे 2/3 है तो आप क्या है 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5/5 कितनी चाहिए हमें 3, तो 17/2/3 × 5/3 क्लियर हो गया, कहाँ पे ऊपर भी और नीचे, तो क्या हो गया 17/5 क्या हो गया 3, लिख दें यहाँ पे 2/5 कितना है 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें 17 का और इसका 8 2 4 8 क्लियर 2125/2 कितनी 10 हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं 10 लिख लो, 10/5 कितनी है 3, तो यहाँ आप लिखेंगे 2125/10^3 क्लियर। अब यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं डेसिमल की फॉर्म में, आप लिखेंगे 2125। इस प्रकार से आपको यहाँ पे करना है, एज एक थर्ड एग्जांपल और देख सकते हैं आप, क्लियर हो गया। इस फॉर्म में बहुत इजी तरीके से आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको डिवाइड वाले मेथड से बताना है। थर्ड वाला जैसे 2/3 थर्ड वाला पार्ट, यहाँ आपने फर्स्ट जो चैप्टर किया है उसमें से टर्मिनेटिंग वाले पार्ट जिन जिन में आपका टर्मिनेटिंग था उनको आपको सेकंड सवाल में नोट कर लें और उसको आप ऐसे डेसिमल की फॉर्म में लिखें। जैसे 2/3 5/2 है, तो यहाँ पे 2/3 है, हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है 3, तो यहाँ पे भी 5/5 को कितना बनाना है 3, तो क्या करेंगे ओनली 5 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करेंगे, तो क्या हो गया 2/3 का मतलब है 8 और 5/5 क्या है 5/1 है, तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी 2/3 5/3, तो क्या हो गया आपका 40/ क्या हो गया 2×5/3 40/10^3 और आपका यहाँ पर 2/3 नहीं है, ये 23 है, ये सॉरी क्या है 23 था ये, तो 23 लिखेंगे यहाँ पर, 2/3 नहीं है 23 है, तो 23 है यहाँ पर, तो 23 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 5 से, तो क्या हो जाएगा 5/3 15 115 क्लियर। यहाँ पे आपके 2/ पड़ गए इसको 23 है, तो क्या होगा 115 है आपका 115 अपॉन क्या है पावर
115 और 10 की पावर है 3, तो आप ऐसे लिखेंगे। क्लियर? तो क्या हो जाएगा जी, क्या हो गया 0.115। ये आप इस फॉर्म में डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आपके यहाँ पे डेसिमल वाला सवाल था, और एक आपका क्या है टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग वाला सवाल, यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.4 क्लियर होती है।